साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। डिफेंस एजुकेशन आज आपके लिए लेके आ चुका है सामान्य ज्ञान स्टैटिक्स जीके। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर हम कर रहे हैं। अभी सीआईएसएफ के फिजिकल चल रहे हैं और दोस्तों फिजिकल आपका हो गया है तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आप जरूर देखें। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल की खेती में होता। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है तो क्षेत्रफल के आधार पर धान होता है। धान बोले तो दोस्तों चावल। क्या बोले? चावल की बात हो रही। किसकी बात हो रही? चावल की बात हो रही। दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में 9 बजे, बीएसएफ की कर रहे हैं तो 12 बजे, सीएएसएफ की कर रहे हैं तो 4:30 बजे और बीएसएफ ट्रेड्समैन की कर रहे हैं 8:30 बजे रात को चलती है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और हमारे साथ साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है। क्या चलती है? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमने 1000 स्टूडेंट को, दोस्तों 1000 स्टूडेंट को मात्र 149 रुपये में हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 20 फुल पेपर सेट है। दोस्तों यहाँ पर 20 टेस्ट हैं। आप अगर आप 20 टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 20 टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और दोस्तों 80% से 90% वही सवाल आएंगे जैसे हम आपको बताएंगे, लेवल जैसा हम बताएंगे वैसा का वैसा आएगा। क्योंकि पिछली बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बताए वैसे के वैसे प्रश्न देखने को मिले। अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेजेंगे कि सर मुझे इसकी तैयारी करनी है, आप हमें पेपर सेट दे दीजिए। दोस्तों बहुत अभी डिस्काउंट चल रहा है, केवल 1000 विद्यार्थियों को हम 20 मॉडल पेपर सेट देंगे। यस चलिए। और अगर आप सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ कोई भी सा हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, हुमायूं नामा के लेखक कौन है। दोस्तों हुमायूं नामा, बताइए मेरे को हुमायूं नामा के बारे में। दोस्तों हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, रूपांतरिक चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रूपांतरिक चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से मानी जाती है। राइट आंसर आग्नेय और तलचट्टी चट्टानों की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया गया था। सर शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया था। भारत का सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र के बारे में पूछा गया तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। ये बहुत बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पर? दोस्तों किलिमंजारो, दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाएंगे। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो ग्रुप हमारा 1000 स्टूडेंट से फुल हो जाता है, कितना ये अब जो ग्रुप के अंदर 1000 स्टूडेंट फुल हो जाता है, हम हर भर्ती का एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन करना है, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा, ऑनलाइन मैटर भी मिलेगा। तो दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 149 रुपीज़। दोस्तों अगर आप अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं, पेपर सेट लेंगे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पे हम देंगे, मात्र 149 रुपये में आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए और फोन पे गूगल पे पेटीएम करके व्हाट्सएप कर लीजिए, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। यानी कल से कंटिन्यू जो क्लास होगी उसका पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। सीएसए ग्रुप के अंदर है तो सीएसए ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर इज तंजानिया। क्या? तंजानिया आपका राइट आंसर है। एलिफेंटा, दोस्तों एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? एलिफेंटा थाईलैंड के अंदर। दोस्तों कहाँ पर है? थाईलैंड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है। यस अगला देखेंगे,
मरे नदी कहाँ बहती है? दोस्तों मरे नदी एक है डार्लिंग, नाम सुना होगा दोस्तों, डार्लिंग 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 है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है दोस्तों, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है। शिव समुद्र पन विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर कावेरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1996 से लेकर 1997 तक, शुरुआत की बात करें ये आपका राइट आंसर 1966-1967। अगला देखिए दोस्तों, भारत में किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है? 11 नंबर प्रश्न, यस ऑप्शन नंबर डी में कहा? ओडिशा, ओडिशा राइट आंसर। अगला देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों का परामर्श कौन देता है? 12 नंबर प्रश्न, यस अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी कौन देता है भैया? महान्यायवादी देता है। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, यस राइट आंसर है दोस्तों 317 एक्ट के तहत। भारत में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? बताइए 14 नंबर प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। भारत में आने वाले वह अरब यात्री कौन था जिनकी रचना 11वीं शताब्दी के भारत के दर्पण के अंदर की गई थी? 15 नंबर प्रश्न, यस ऑप्शन नंबर बी दोस्तों अलबरूनी। कौन था दोस्तों? अलबरूनी आपका राइट आंसर है। नेपानगर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बताइए? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कागजी, अखबार उद्योग या कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया रोग किस लेंस या चश्मे के कारण? यस राइट आंसर दोस्तों अवतल। क्या है दोस्तों? अवतल आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपोर्टेंट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? क्या पूछा? असत्य की बात हो रही दोस्तों। देखेंगे राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है आपका। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और दोस्तों अनुच्छेद 163 के अंदर मंत्री, लेकिन 154 के अंदर राज्यपाल नहीं है, यही आपका राइट आंसर। यस नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी नहीं है? नहीं है, यस जरूरी नहीं। संविधान संशोधन, कौन सा दोस्तों? संविधान संशोधन आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? यस फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। देखिए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू व्यू लाइफ पुस्तक 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। कौन? एस राधाकृष्णन। विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल? विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी। कैसे खिलाड़ी? शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी राइट आंसर। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार, भारत में सर 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों परमवीर चक्र। कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र, भारत का सबसे बड़ा परमवीर चक्र है। मानवाधिकार, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सोल्च, क्या है? सोल्च ने किसका आविष्कार किया? 26 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी टाइपराइटर। किसका? क्या? टाइपराइटर का आविष्कार किया। कीमत विभेद का तात्पर्य क्या है? कीमत विभेद का तात्पर्य क्या है?
ऑप्शन नंबर बी, वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पादन को विभिन्न ग्राहकों के अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बेट 28 नंबर प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के अंदर, कहां पर उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 29 प्रश्न का राइट है, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? WTO की अनुमति, किसकी? WTO की अनुमति लेनी जरूरी है भैया। अगला देखिए, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारी आंदोलन का प्रारंभ 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 1904 के अंदर हुआ, किसमें? 1904 के अंदर हुआ था। अगला देखिए, आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीक होता है? आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीक होता है? पर किरण के कारण, किसके कारण? पर किरण के कारण होता है। अगला देखिए, हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज किसकी इकाई? 33 नंबर प्रश्न राइट आंसर आवर्त, किसकी दोस्तों? आवर्त की इकाई हर्ट्ज। अगला देखिए, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? 34 नंबर प्रश्न, यस ऑप्शन नंबर सी परवलयन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखिए, पानी से भरा गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े में पूरा बर्फ पिघल जाता है, पर गिलास का पानी कैसा है? सी अपरिवर्तन, क्या रहेगा? अपरिवर्तन होगा। अगला देखिए दोस्तों, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बताइए, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? 39, पहले बढ़ेगा फिर से घटेगा। चलिए दोस्तों, 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाएगा? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सोडियम बेंजाइट। नेक्स्ट देखिए, बेरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिर जाता है। दोस्तों इस प्रकार से बेरोमीटर लगा होता है, इस बेरोमीटर के अंदर जब पारा एकदम अचानक गिर जाता है यस तो क्या आएगा दोस्तों? तूफान आएगा। क्या आएगा? तूफान। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? चीनी क्या है? सुक्रोज। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस। 40 नंबर, मिथेन गैस। दोस्तों 149 के अंदर आपको 20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, फुल मॉडल पेपर, फुल टेस्ट, जिसके अंदर आपकी रैंकिंग होगी। उस रैंकिंग में आपका क्या आधार रहेगा, किस प्रकार से आपको पेपर देखना मिलेगा। अगर आप 150 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप हमें 9461041363 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे। रोजाना जो क्लास होगी उस क्लास का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहें।